यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शमशान घाट से लेकर मृतकों के घर तक मातम पसरा है। लोग शराब का नाम लेने से डर रहे हैं। जहां दिवाली की खुशियां बटनी चाहिए थी, अब वहां पर मातम पसरा है और लोग डरे सहमे हुए हैं। आज लगातार चौथे दिन 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ जिले में शराब पीकर मरने वाले लोगों का आंकड़ा 18 पार पहुंच चुका है। जिसके कारण उल्टियां भी लगी हैं और आंख से दिखना बंद हो गया और उसके कारण इनकी डेथ हो गई। टाइजे की लड़की की भी कल डेथ होगी जो मलाना में दाखिल थी, तो वो भी इसी कारण से हुई है उनकी भी। हाँ जी, सारों का यही कारण है जो भी डेथ होगी। तो क्या नाम था आपके भाई का, क्या काम करता था? ये इंद्रेंद्र कुमार था, ये मजदूरी करता था। वहीं गांव की मौत के सिलसिले को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा घरों में तलाशी भी ली जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं लोगों ने घरों में अवैध शराब खरीद कर छिपाई तो नहीं। इतनी मौत होने के बाद लोग चोरी छिपे शराब पी रहे हैं। यही वजह है कि बुधवार से शुरू हुई लोगों की मौत का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। इस सिलसिले में अब तक हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार 16 लोगों की मृत्यु हुई है और इसमें से जो मलेबरी से हैं, पंजीटू कला से हैं और सहारन गांव से हैं। और इसी में हमने 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनको हमने पुलिस रिमांड पे लिया है और इनके द्वारा हम आगे भी जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके बारे में पूरी तरह से अनुसंधान करेंगे और उनको भी जल्द हिरासत में लेंगे। इसके अलावा पुलिस ये सूचना चारों तरफ फैला रही है। हम हर गांव में जाके लोगों को बता रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है और वो इस तरह के शराब का भी सेवन ना करें जो उन्होंने कहीं और से अतिरिक्त जगह से खरीदी हो या जिसके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी ना हो। तो भी मैडम, इस गांव में कितने मलेबरी में? हाँ जी, जो हमको सूचना मिली है टोटल उसकी 16 लोगों की मिली है और इसमें से क्या हुआ है कि अभी तक 10 लोगों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, जिसमें से 6 लोगों का पोस्टमार्टम हो गया है और 6 लोगों का बिना हमारे को सूचना दिए उन्होंने संस्कार कर दिया और 4 लोगों का पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो इसके बाद जो भी हमारे सामने तथ्य आएंगे उसको हम अपने संज्ञान में लेके आगे अब अनुसंधान करेंगे। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है आगे, और भी उम्मीद है? जितने भी लोग संलिप्त हैं या जहाँ भी, देखिए हम दोनों तरह से चल रहे हैं, लोगों को पकड़ने की तरह से भी चल रहे हैं और ये सूचना लोगों तक पहुँचानी भी ज़रूरी है कि ऐसा हुआ है और वो अब इसी शराब का सेवन ना करें। और हमारा ये भी प्रयास है कि ये और कहीं तक ना पहुँचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी हिरासत में ले सकें। बुधवार को पहले दिन मंडेबरी गाँव में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक गांव में लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। अब मंडेबरी के बाद सबसे ज्यादा सारन गांव में मौत हो चुकी है। सारन गांव में 2 से 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से जान चली गई। आपको बता दें, जहरीली शराब बेचने के सबसे ज्यादा मामले भी सारन गांव से आ रहे हैं। इस बारे में लोग पहले भी पुलिस को कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन हर बार आरोपी जुर्माना भर के छूट जाते थे। लेकिन समय रहते इन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होती तो इतनी मौतें गांव में नहीं होती। अब मामला जब बड़ा है तो पुलिस ने 4 लोगों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। यहां पर ये सवाल खड़ा होता है कि अवैध शराब को लेकर इतनी शिकायतों के बाद भी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अब जब मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तब जाकर प्रशासन को सुध आई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।